वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण, क्लास फोर्थ का हिंदी व्याकरण। इसके पहले हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा और व्याकरण और सेकंड वर्ण विचार। आज हम चैप्टर नंबर थ्री जो है शब्द, ये चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द की डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर थ्री शब्द मतलब वर्ड। वर्ड कैसे बनता है, शब्द कैसे बनता है। हम जो भी लेटर यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं, जैसे कि अ है, म है, मतलब वर्ण है, जो अ ब क स त, ये जो वर्ण है, इन वर्णों को हम ज्वाइन करते हैं, तो वर्णों के इन सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अभी जब हमने ये अ ब स त ये वर्ण अगर मैंने ज्वाइन किए, तो इनका जो वर्ड तैयार होगा उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो शब्द हम किसे कहेंगे कि हम जो वर्ण ज्वाइन करेंगे उनका जो सार्थक मेल, मतलब इन वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर बच्चों, आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। अभी जो टीचर है बच्चों को कैसे समझा रही है, देखिए टीचर बोल रहे हैं कि चलो हम शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगा और आप सभी एक एक करके शब्द आखिरी वर्ण से एक नया शब्द बनाएंगे। मतलब टीचर क्या बोल रहे हैं कि मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके आखिरी वर्ण से आप दूसरा शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द आराम, टीचर क्या बोलते हैं आराम। अभी म आया, अभी इसका म, ये जो वर्ण है, इस म के वर्ण से हमें दूसरा शब्द कहना है। तो रुचा नाम की एक लड़की है, तो क्या बोलती है, देखिए रुचा, अब आप म वर्ण से एक शब्द बताओ। तब टीचर उससे बोलते हैं म वर्ण से शब्द बताओ, तो वो क्या बोलती है, मछली, मछली। अभी ल आया, ली आया, ली, ली ये वर्ण आया, तो इस लड़के ने क्या बोला, लीची। इसके बाद ची आया, तो इस लड़के ने बोला चीता। ता आया, तो इस लड़के ने क्या बोला, ताला। मतलब क्या हुआ कि टीचर का बोलते हैं, देखिए अभी आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, इन वर्णों को आगे पीछे जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता, मतलब उसका अर्थ सही नहीं निकलता। आइए जाने कि गलत शब्द निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, किला, बाजार, सर्दी, जोकर। बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द है। इस चित्र के नीचे जो नाम लिखा है उसे क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। अभी टीचर को क्या बोलना है, देखिए ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं, वर्णों को मिलाकर बने हैं, जैसे कि क प्लस ई मतलब क्या बना, की, ल प्लस आ, ला, की ला। इस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अगर इन्हीं वर्णों को पलट के दे तो शब्द बनेगा ला की। यही वर्ण अगर उल्टा पुल्टा किया तो क्या बनेगा, ला की। कैसे, ल प्लस आ ला, क प्लस ई की, तो क्या बनेगा, ला की। इसका कोई अर्थ नहीं है, उल्टा अगर हमने किया तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं। अतः यह शब्द नहीं है, लाकी यह शब्द हुआ क्या, नहीं। मतलब किला शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है, और लाकी शब्द निरर्थक है यानी अर्थ के बिना है। इसी तरह से ज प्लस आ, ब प्लस आ, प्लस र प्लस अ, जा बा र, क्या बना है, जाबर। ये कैसा शब्द हुआ, निरर्थक शब्द हुआ, यही ठीक है। ये यहाँ पर भी दीरस, यहाँ पर र क, जो ये निरर्थक शब्द हुए। ये तीनों भी शब्द कोई शब्द, ये तीनों भी शब्द कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, बच्चे समझ में आया, वर्ण किसे कहते हैं, सॉरी शब्द किसे कहते हैं,
कि वर्णों का जो सार्थक मेल है उन्हें हम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या देखा, शब्द किसे कहते हैं, और यहाँ पर कुछ टीचर ने जैसे एग्जांपल्स दिए थे, उन एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर देखा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।